दोस्तों आज के नए ब्लॉग में स्वागत है। और यहाँ पे दोस्तों ये गोभी लगा हुआ है और यहाँ पे मूली का पौधा लगा हुआ, उधर धनिया है और हम यहाँ पे गोभी का पत्ता कुछ तोड़ेंगे और कुछ आपको दिखाऊँ। तो ये तोड़ूँगा मूली, मूली से एक एक करके इसमें से तोड़ेंगे, उसके बाद फिर गोभी का तोड़ेंगे इस टाइप से, बच्चा बच्चा उसका जो पत्ता है तोड़ेंगे। और यहाँ पे पूरे टूट चुका है, अब चलते इसको साग बनेगा। यहाँ पे देखिए ये रहा सरसों का मूली का पत्ता और ये रहा गोभी का, और इसका जो है साग बनेगा। चलिए चलते हैं घर। और यहाँ पे अपना बारी है और ये रहा मेरा घर, और सामने सामने यहाँ पे सब्जी बगीचा है और हम लोग यहाँ पे ताज़ा ताज़ा खाते हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा और बिना खाद केमिकल का। वहाँ पे कटाएगा तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कटा रहा है। ये है सरसों मूली का पत्ता है और इसका साग कट कर कर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हो चुका है। और इसको फिर यहाँ पे गोभी कटाएगा और ये मोहतरमा काट रही है, और उसके बाद साग बनेगा। उसके बाद हम लोग साग का भात खाएंगे, जो कि आपको बता दें नहीं खाया जाता है। साग भात खाने का कुछ अलग ही मज़ा है। और ये रहा धनिया का पत्ता अपने बारी का ही, और इसे साग में इसको ऐड कर देंगे तो और भी तो स्वादिष्ट बन जाएगा। ये बाद में कटाएगा या फिर ऐसे ही रखा जाएगा, और इस कटने के बाद ही बनेगा। अब ये साग जो है कट चुका है, अब यहाँ पे पानी भरा जा रहा है मोटर से, और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से साग का जो है धुलाई होगा। धुलाने के बाद इसको आग पे चढ़ाया जाएगा, उसके बाद ये साग बनेगा। अब ये देखिए साग को इसमें रखा जा रहा है, इसके तरीके मोटर के द्वारा पानी को भरा जा रहा है। अब ये देख सकते हो, और इसमें धुलाने के बाद इसमें रखा जाएगा, धुआने के बाद रखा जाएगा। अब यहाँ पर इसमें रखा जा रहा है, तो गाइस में छेद है उसी से भी आएगा। इसमें जो है इसमें पानी जो है इसमें से सब चला जाता है, पानी में छोड़ेगा और पूरा रख देगा इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे साग बन चुका है, साग आलू का गोभी जा आलू का सब्जी है, आलू का सब्जी भात और ये तिल का चटनी दाल बनकर रेडी। और अब हम लोग खाना खाते हैं।